नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज हेलो डॉक्टर में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी जी, जो कि रिपब्लिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, डायग्नोस्टिक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वॉल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल है, हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ऐसे में आज के युवाओं को कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हम कोविड के बाद देखें तो लाइफस्टाइल डिजीज, हालांकि कोविड से पहले भी लाइफस्टाइल डिजीज का ग्राफ बढ़ रहा था युवाओं में, बट अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज की जब बात करते हैं तो वो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा फैटी लिवर और जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो है हार्ट से संबंधित बीमारियां, जो हृदय रोग है जिसमें हार्ट अटैक के केसेस जिस तरह से ज्यादा हम काफी देख रहे हैं, तो इन सभी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। मतलब ये एक समूह होता है बीमारियों का, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो सबसे पहले जरूरी है कि लाइफस्टाइल डिजीज की स्क्रीनिंग करा के देखना। पहले हम बात किया करते थे कि आप 60s में या 50s में, मतलब 50 साल की उम्र के बाद टेस्ट कराइए, 40 साल की उम्र, पर अभी ऐसा कुछ नहीं रहा। आजकल हम देख रहे हैं टीनेजर्स के अंदर भी इस तरह की बीमारियां जो जीवन शैली से संबंधित है वो देखी जाती है। तो आप जब 20 साल की उम्र में है तभी से एटलीस्ट फर्स्ट टाइम अपना एक ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराएं, उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट कराएं और एक कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तीन तरह के टेस्ट सभी को करा लेना जरूरी है जब आप 20s में। डॉक्टर समीर, आपने अभी ब्लड टेस्ट का जिक्र किया और ब्लड प्रेशर का जिक्र किया और आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, ये जो तीनों बीमारियां हैं, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है और जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ये जो तीनों प्रॉब्लम है वो इस वक्त युवाओं में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ये जो बीमारियां होती थी आज से पहले के ज़माने में हम देखते थे कि 40 के बाद होती थी, लेकिन अब हम 20 के बाद भी देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 15 से 16 साल के बच्चों को भी बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्यों, ये टेस्ट हम कब कराएं, इसके क्या वो हो सकते हैं कि सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहा है, हम सांस फूल रही है या फिर हम हाफ ज्यादा रहे हैं या हम एक्टिव नहीं है, एक्टिवनेस में कहीं कमी है, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो होता है प्रिवेंटिव टेस्ट कराना, मतलब स्क्रीनिंग कराना जब आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ना। तो जैसा मैंने अभी आपको ये टेस्ट बताया, ये टेस्ट तो आपको सभी को करानी चाहिए जिनको कोई लक्षण है या नहीं, क्योंकि ये प्रिवेंशन के लिए है। जब आपको लक्षण होते हैं उस टाइम आपको आपके लक्षणों के अकॉर्डिंगली डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करेगा। ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि फिलहाल में एक ICMR की स्टडी भी हुई थी, उस स्टडी में भी ये पाया गया कि इंडियंस के अंदर खास तौर पे पिछले 2 सालों के अंदर डायबिटीज, हालांकि जैसा हम बात कर रहे थे कि हम डायबिटीज की कैपिटल बन चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में डायबिटीज के देखे गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम के, हाइपरटेंशन के भी, ब्लड प्रेशर के, पर पिछले कुछ 2 सालों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए स्क्रीन करा लेना बहुत जरूरी है। जैसे लक्षणों की बात की तो हाँ, लक्षणों को आपको किसी भी तरह के इग्नोर नहीं करना, जैसे ब्रेथलेसनेस एक कॉमन लक्षण है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम की बात करें कि जैसे सांस आपको तेज तेज आ रही है, ठीक तरीके से नहीं आ रही, तो ये हो सकता है लंग्स की भी प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट की भी प्रॉब्लम हो। इसके अलावा आपने जो बताया इनएक्टिविटी, वो इनएक्टिव लाइफस्टाइल तो आजकल बन गया है। जैसे ज्यादातर हम बात करें, हमारा सिटिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब, और कोविड के दौरान भी देखें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया, तो एक्सरसाइज हम नहीं करते, वो एक बड़ा कारण है इन दोनों तीनों बीमारियों का। दूसरा बड़ा कारण है आपकी डाइट का जो मॉडिफिकेशन हो गया, खासतौर पर युवाओं का, कि हमारी वेस्टर्न डाइट को वो ज्यादा फॉलो करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। तो इसका मेजर जो 2 रीजन समझकर आते हैं वो आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना करना, और दूसरा डाइट, और कॉमन 3 आपको मैंने ये चीजें बताई है। हाँ, इनमें कुछ निकलता है आपका, कि अगर आपको ब्लड प्रेशर निकल रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसके आगे कुछ और टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है,
तो इस वजह से उसके लिए इको टेस्ट हो गया, एक सीटी एंजियोग्राफी हो गया, वो आपके डॉक्टर आपको सिम्टम के हिसाब से बताएंगे। एक चीज और जरूरी है जानना, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके परिवार में किसी को कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो फिर आपको जरूरी है जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है, जैसे ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, टीएमटी टेस्ट, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं, वो करा सकते क्या, हैं। डॉक्टर, क्या ये टेस्ट हर किसी के लिए जरूरी है? जैसा कि लंग के टेस्ट की बात आप कर रहे हैं या हार्ट टेस्ट की हम बात करें, देखिए हार्ट का जब जब जिक्र होता है हमें याद आ जाता है कि आज के युवाओं में कार्डियक अरेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं इसी की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं कि आजकल हर किसी को, हर थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान जा रही है। क्या वजह हो सकती है? हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा दिल कितना खुश है, हमारा दिल क्या काम कर रहा है, हमारा दिल कितना स्वस्थ है, कैसे समझें हम? क्या कुछ टेस्ट हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए हार्ट की प्रॉब्लम पहले थी, अभी भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसमें दो तीन कारण मुख्य तौर पे निकल कर आते हैं। एक तो जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया है काफी ज्यादा, तीसरा जो देखिए हमारा डाइट, चौथा अगर हार्ट डिजीज का देखें तो आपका स्लीप डिप्रिवेशन होना, आपकी नींद ठीक तरीके से ना होना, और सबसे जो मेजर रीजन है वो है आपका स्ट्रेस लेवल। तो ये सभी काफी बड़े फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए। और एक फैक्टर और है, अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, तो इस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम को, हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए जरूरी है, किसी भी तरह की इमरजेंसी को अवॉइड करने के लिए आप समय रहते रहते अपनी जांचें जरूर कराते रहें, जो आपको बताया बेसिक ये स्क्रीनिंग करा लें। इसके अलावा अगर आपको कोई और टेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके डॉक्टर बता देंगे। एक जो गलती करते हैं अक्सर लोग कि वो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और उनको लगता है कि ब्लड टेस्ट करा लिया इससे हमें सभी बीमारियों का पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए टेस्ट अवेलेबल है, तो जब भी आप कोई जांच कराना चाहें, अपना चेकअप कराना चाहें, तो एक बार एक्सपर्ट से या डॉक्टर से जरूर मिल लें। और जैसा मैंने बताया, इस तरह के बेसिक टेस्ट आप 20 साल की उम्र से कराना शुरू कर दें। इसके अलावा अंतराल से कितना होना चाहिए? अगर हम टेस्ट, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मैं अगर अपना टेस्ट करा रही हूँ, चाहे वो कोई सा भी टेस्ट हो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, अगर नहीं भी आ रही है, तो एक टाइम पीरियड कितना होना चाहिए कि मुझे दोबारा टेस्ट कराना चाहिए कि हाँ इन फ्यूचर वो दिक्कत आ सकती है, तो अंतराल कितना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें देखो जो बेसिक टेस्ट है, बेसिक टेस्ट जैसे आपने एक बार करा लिए, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आप लीवर, किडनी, इस तरह के रूटीन के टेस्ट होते हैं, शुगर की जांच करा लें, अगर आपके नॉर्मल आ गए तो आपको 2 साल तक कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी और 6 महीने बाद दोबारा उसको रिपीट करा के देखना पड़ेगा। आपका फॉर एग्जांपल शुगर, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसको 3 महीने 6 महीने बाद दोबारा रिपीट। तो अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप 3 to 6 months के बाद दोबारा उसको, अगर प्रॉब्लम नहीं निकलती तो 2 साल तक आप आगे चल सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, जैसा आपने पूछा कि मुझे, तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से टेस्ट भी अवेलेबल है, उनको वो कराने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे मैमोग्राफी हो गया या आपका पैप स्मियर टेस्ट हो गया, क्योंकि ज्यादातर कॉमन जो हम डिजीज देखते हैं फीमेल्स के अंदर वो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो जिनके मामले काफी ज्यादा है। मैं इसी पर आ रही थी सर, क्योंकि आज मैं पढ़ रही थी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, भारत में हर चौथी महिला को हर दिन कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, कि अब जो है ब्रेस्ट कैंसर, खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, इसका कोई कारण पता नहीं चलता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा तकलीफ किसी महिला को होती है, जब वो टेस्ट कराती है, तब पता चलता है कि वो कैंसर से या ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। तो हमें टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर कोई लड़की 18 साल की है या 20 साल की है, क्या तभी से हमें इसके टेस्ट शुरू करा देने चाहिए या कुछ सेल्फ टेस्ट भी करने चाहिए? आजकल तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और जैसा भारत के अंदर देखिए भी, तो भारत के अंदर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अभी पिछले कुछ सालों में देखें तो ये काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। और इसमें कोई एज ग्रुप भी नहीं रहा है कि पर्टिकुलरली इस एज में हो रहा है, यंग फीमेल्स के अंदर भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और एक और जो चीज है यहाँ पे,
जो केसेस आ भी रहे हैं वो थर्ड स्टेज में, लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं हो रहे। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छा इलाज उसके लिए अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम यह है कि जितना लेट डिटेक्ट होगा उतना ही उसका ट्रीटमेंट का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट होगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा और लाइफस्टाइल भी आपकी मतलब उसमें फॉलो अप बहुत ज्यादा, सर्जरी से लेके आगे अदर प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको बता दें कि हाँ इस एज के बाद आप या तो सेल्फ टेस्ट करना शुरू करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गांठ आपको लग रही है या कुछ और शेप एंड साइज में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ कलर में डिफरेंस हो रहा है या कुछ ऐसा लिक्विड आपको पता चलता है या समझ में आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी एज से शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल 18 की एज के अंदर, आप बल्कि उससे भी अर्ली एज के अंदर, टीनेज के अंदर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू कर सकते हैं। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए काफी आजकल ऑनलाइन भी कुछ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उनकी सहायता से ये आपको जरूर करना है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और किसी भी तरह की कोई गिल्टी आपको फील होती है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, फिर आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है ताकि फर्दर उसको एग्जाम किया जा सके। इसके अलावा इसमें मैमोग्राफी टेस्ट होता है, पर मैमोग्राफी टेस्ट 40 साल की उम्र से ही किया जाता है, उससे पहले नहीं करा सकते। उससे पहले किसी केसेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रही है, तो उस केस में मैमोग्राफी पहले भी किया जा सकता है। मैमोग्राफी की बजाय वहां पर अल्ट्रासाउंड जो है ब्रेस्ट का किया जाता है, अगर ऐसी कोई गिल्टी या इस तरह की चीज महसूस होती है, पर उसको इग्नोर नहीं करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको हमने कैंसर की स्टेज पर बात की। देखिए कैंसर की तीन स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। कई बार ऐसा होता है कि हमें थर्ड स्टेज में पता चलता है, कई बार सेकंड स्टेज में ही हमें पता चल जाता है, कई बार हम फर्स्ट स्टेज में जाने से पहले ही कुछ ऐसे टेस्ट करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ लक्षण हमें नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं, क्योंकि कैंसर में जो कोशिकाएं वो बढ़ती रहती हैं, वो कोशिकाएं खत्म हो जाएं। तो इसलिए गैप कितना लें हम, जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट कराया, हमें फर्स्ट स्टेज का पता चला, फिर हमने टेस्ट कराए, फिर हमने इलाज कराया, तो सेकंड टेस्ट हम कब कराएंगे और कैसे हम सेकंड स्टेज में ना पहुंचे उससे पहले ट्रीटमेंट कैसा हो? देखिए कैंसर, सभी तरह के कैंसर तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते सभी तरह के टेस्ट के अंदर, पर कुछ कॉमन कैंसर है जिनके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिनके लिए प्रिवेंटिव टेस्ट अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जैसे कॉमन है, तो उसके लिए टेस्ट जांच अवेलेबल है। वो स्क्रीनिंग आप जब भी अपना हेल्थ पैकेज कराएं, चेकअप कराएं, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट या मैमोग्राफी वो करा सकते हैं। उसके अंदर कुछ आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर आपका डॉक्टर से जैसे ट्रीटमेंट चलेगा वो बताते रहेंगे कब कब आपको फॉलोअप के लिए आना है ना। पहले तो हमें डिटेक्ट करना है कि है कि नहीं, पर फिर अगर नहीं है तो भी दोबारा आपको 2 साल के अंदर फिर से उसको चेक करा लेना चाहिए ताकि चांसेस ही ना रहे और आप एक हेल्दी अच्छी लाइफ जी सकें। ठीक है सर, एक और चीज मैं समझने की कोशिश करूंगी कि पुरुषों के लिए कौन से टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, महिलाओं के लिए कौन से टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मैं सिर्फ महिला की बात नहीं करूंगी, मैं पुरुषों की भी बात करूंगी, हम इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम अपने अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हाँ हम कहते तो हैं कि हम बैलेंस डाइट लेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, लेकिन हम करते क्या है उस चीज के लिए? मैं इसलिए जानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग थोड़ा समझे और समझ सके और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेल्थ के लिए जैसा हम बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट ठीक से रखनी है, नींद ठीक से लेनी है, इन सब चीजों का तो ध्यान रखना है, पर कुछ चीजें होती है जो शरीर के अंदर इस तरह से चेंजेस होते हैं, हमें उन चीजों का पता नहीं होता, कुछ हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है, तो इस वजह से सही जांच सही समय पे करानी जरूरी होती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में कुछ कॉमन टेस्ट है जो दोनों को करा लेने जरूरी होती है। एक उम्र से, जैसे 20 साल की उम्र से आप शुरू करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कराइए, ब्लड प्रेशर कराइए, शुगर टेस्ट कराइए, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इस तरह के बेसिक टेस्ट आप करा सकते हैं। इसमें कुछ निकलता है तो आगे फिर दोबारा आप 25 साल की उम्र में उस पे फिर फॉलोअप ले सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, तो उनके लिए एडवांस टेस्ट, दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल, उसमें इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों के अंदर अल्ट्रासाउंड भी एक बार आप 25 साल की उम्र से कराना जरूर शुरू करिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर बेसिक आपके जो वाइटल ऑर्गन है जैसे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इन सबको देखा जाता है, इनको चेक कर लिया जाता है, क्योंकि आजकल फैटी लिवर भी यंग
फीमेल और मेल दोनों के अंदर काफी ज्यादा देखा जा रहा है, तो उससे फैटी लीवर का आपका अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो ये कॉमन टेस्ट हो गए। इसके अलावा कुछ कुछ टेस्ट है जो डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर हम पैप्समेयर का टेस्ट किस साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं एंड मेमोग्राफी टेस्ट उनका 40 साल की उम्र में। मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्ट आप 45 की एज के अंदर करा सकते हैं, ये कॉमन। इसके अलावा एक आपका कोलोरेक्टल कैंसर, इसके लिए कोलोनोस्कोपी, इस तरह के 2-3 टेस्ट एडवांस्ड और अवेलेबल, पर बेसिक जैसे प्रोस्टेट का कॉमन कैंसर है तो उनको वो करा लेना जरूरी है। और जो स्मोकर्स हैं जैसे, और जो टोबैको वगैरह इस तरह की कोई चीज लेते हैं, इनको ओरल कैंसर होने की काफी संभावनाएं बनी रहती है, तो वो भी इस चीज को नोटिस करें कि माउथ के अंदर कुछ ऐसा अल्सर है, कुछ ऐसी गांठ है, ऐसी कुछ भी फील होती है तो अपने डॉक्टर से वो जरूर संपर्क करें। चेस्ट के लिए सीटी स्कैन आप करा सकते हैं, लो डोज सीटी, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है जिनको आप करा सकते हैं। और इसके बाद इनमें कुछ निकलता है तो उसके लिए रिपीट टेस्ट आपके डॉक्टर एडवाइस करें। बिल्कुल, लेकिन आपको खुद जागरूक होकर ये टेस्ट कराने जरूरी है ताकि कोई मेजर प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है सर, कोरोना के बाद से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों में डिटेक्ट होने लगी है, क्या कोरोना एक बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से झकझोर देने का? झकझोर इज अ टफ लैंग्वेज, में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि थोड़ा सा इनबैलेंस कर देने का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोरोना ने तो डेफिनेटली अफेक्ट किया था कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को, पर मोटे तौर पे अगर हम देखें पोस्ट कोविड कई चीजें लोगों को रह रही है, जैसे लिथार्जिक रहना, वीकनेस रहना, इस तरह की कई चीजें हैं, पर मेजर जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारी जीवन शैली का है, हमारा खान पान का है, लाइफस्टाइल का है, वो हमारी इम्यूनिटी को किस तरह से सप्रेस, अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है तो वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बाहर के सिस्टम पे, आप पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वायरस बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज का और लाइफ को एक्टिव रखना, वो एक बहुत बड़ा रोल आता है। आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज जरूर करें, वो जिमिंग हो सकती है, वो वॉक हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, कोई भी फॉर्म में आप अपने आप को एक्टिव रखिए। इसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइट के अंदर बार बार एम्फोसिस करते हैं, सभी तरह की जीवन संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है आपका डाइट। डाइट में स्पेशली देखें तो इंडियन डाइट में, नॉर्थ इंडियन डाइट में नमक का सेवन बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट इनटेक, जबकि WHO के हिसाब से हमें 5 ग्राम नमक लेना पड़ता है, पर उससे 3-4 गुना ज्यादा। थ्री वाइट से तो हमें दूर ही रहना है, ये तो हर डॉक्टर कहता है कि हमें मैदा, चावल और चीनी से तो दूर ही रहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका डाइट का आपको खास तौर पे बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा मिडनाइट स्नैकिंग, जैसे यूथ की बात करते हैं, रात को देर रात पैकेज्ड फूड खाना, होम डिलीवरी का इसका काफी ज्यादा सिस्टम प्रचलन हो गया, तो इसके साथ ही लाइफस्टाइल डिजीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मीठे का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं हम, फैट की तो बात करते हैं कि हमें फैटी चीजें नहीं खानी, पर मीठा भी बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का, आपका वजन बढ़ने का। डॉक्टर, ओवरऑल देखा जाए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका तब हो सकता है जब आप एक्टिव रहेंगे और अपनी डाइट पर कंट्रोल सही से कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे टेस्ट के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से रेगुलर टेस्ट हैं जो महिला और पुरुषों को कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर समीर भाटी जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए अनिवार्य हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी आई है, तो कमेंट ज़रूर करें और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही अगले सप्ताह फिर लौटूंगी मैं किसी और डॉक्टर के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।